शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। भारत को तेल निर्यात के मामले में रूस ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। अब रूस भारत को तेल देने वाले दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ईरान अभी भी भारत को तेल आपूर्ति में सबसे बड़ा देश बना हुआ है। वहीं उद्योग के डाटा के अनुसार रूस ने मई में भारत को करीब 2.5 करोड़ बैरल तेल की रोजाना आपूर्ति की है। ये भारत की कुल आवश्यकता का करीब 16% है। भारत तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। वहीं डाटा के अनुसार सऊदी अरब अब भारत को तेल की आपूर्ति करने के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। वहीं डाटा के मुताबिक भारतीय रिफाइनरीज को मई में रूस से 8.19 लाख बैरल तेल रोजाना मिला है। किसी एक महीने में तेल मिलने का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। वही बता दें, अप्रैल में भारतीय कंपनियों को रोजाना 2.77 लाख बैरल तेल मिला था। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए थे। इस कारण कई देशों ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिला और उन्होंने मई में सस्ती दरों पर रिकॉर्ड तेल आयात किया। वहीं परिवहन लागत ज़्यादा होने के कारण सामान्य तौर पर भारतीय कंपनियां रूस से कम तेल खरीदती हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कारोबारी प्रतिबंध लगा दिए थे। इस कारण कई देशों ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। इसका फायदा भारतीय कंपनियों को मिला और उन्होंने मई में सस्ती दरों पर रिकॉर्ड तेल आयात किया। वहीं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अनुसार जर्मनी को पछाड़कर चीन अब रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार बन गया है। सेंटर के अनुसार 24 फरवरी के बाद चीन ने रूस से 93 अरब यूरो का तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले की खरीद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।